एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का राज क्या है? बाबा सिद्दीकी की गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के बावजूद गोलियां शीशे में कैसे जा घुसी? क्या बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी पर भी हमला करना था? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। जब से एक खबर सामने आई है, हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि कल मुंबई में देर रात बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाश मुंह पर कपड़ा बांध कर आए थे। जब बाबा सिद्दीकी, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के साथ ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, घर जा रहे थे, इस दौरान शूटर्स ने हमला कर दिया और 6 राउंड फायर किए गए हैं, जिनमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी हैं, 2 गोलियां पेट में लगी हैं और 1 गोली उनके सीने में लगी है। जानकारी यह है कि 2 गोलियां उनकी कार में भी लगी हैं और ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ थी। आनन फानन में तुरंत हॉस्पिटल भर्ती किया गया और वहां पर उनकी मौत हो चुकी थी। बहुत चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम है। बदमाश पहले से रैकी कर रहे थे, लगातार रैकी की जा रही थी और इसमें कुछ जो गैंग है उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसके तहत अब कुछ बड़े एक्टर्स के घरों के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है कल देर रात का है, जब मुंबई स्थित बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास शनिवार रात 9:30 बजे बाबा अपने बेटे कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी के साथ ऑफिस से बाहर अपने घर जा रहे थे और घर के बाहर थे। इसी दौरान उनके बेटे का कोई कॉल आ गया, वो ऑफिस में वापस चला गया और लगातार बाबा सिद्दीकी पर शूट हो चुके थे, फायर हो चुके थे, यानी कि जो गोलियां चली थी वो सीधे बाबा सिद्दीकी पर लगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके बेटे पर भी हमला करने की कोशिश थी, लेकिन बेटा अंदर चला गया तो इस वजह से वो बच गया और बाबा सिद्दीकी के ऊपर 6 राउंड फायर किए गए, जिनमें से 3 गोलियां सीधे बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 पेट में और 1 सीने में। आप ये देखिए कि तीनों जो बदमाश थे, मुंह बंधा हुआ था उनका और जानकारी यह है कि 2 बंदूकों से लगातार ये 6 राउंड फायरिंग की गई है। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी के साथ जो एक शख्स मौजूद था, उनके पैर में गोली लगी है। तुरंत लीलावती अस्पताल भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने देर रात 11:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 1 फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। देखिए, बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी एक साथ घर जाने के लिए निकले थे और इसी दौरान ये पूरा हमला हुआ है। इस दौरान जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी, जो वहाँ पर निगरानी होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं थी, ऐसा क्यों है, क्यों लगातार वो तमाम लूपहोल्स अब सामने आ रहे हैं इस हमले के बाद से। अगर पुख्ता होते तो हो सकता था कि कुछ वीडियोज़ वगैरह भी इसके सामने होते हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट बंद थी, मौके पर सीसीटीवी भी बंद था। देखिए, सीसीटीवी नहीं था वहाँ पर, बुलेट प्रूफ कार थी, उसके बावजूद जो हमला हुआ, 2 गोलियां कार में लगी हैं और शीशे में जा घुसी और इसलिए माना जा रहा है कि शूटर्स के पास 9.9 mm की एडवांस पिस्टल थी और यही कारण है कि बुलेट प्रूफ कार के शीशे में भी उसकी गोलियां जा घुसी। सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। वाई लेवल की सुरक्षा है, फिर भी उनके साथ कांस्टेबल मौजूद नहीं थे, सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था जिसके पैर में भी गोली लगी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक मामले की जांच कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं। करनैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, 2 आरोपी धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का, 3 आरोपी अभी फरार है, उसकी पहचान की जा रही है। आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, दरअसल बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम है। अब मुंबई के कूपर अस्पताल में एनसीपी नेता, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है, पूरी प्रक्रिया की एक वीडियोग्राफी हो रही है और आज रात 8:30 बजे मरीन लाइन्स स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में बाबा को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने बाबा पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, 3रे की तलाश की जा रही है। घटना के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका जताई गई है। शूटर्स ने पूछताछ में बताया कि वे पिछले 25 से 30 दिनों से उस इलाके की लगातार रैकी कर रहे थे। 3 आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट में शूटिंग स्पॉट जहां पर गोली चलाई गई है वहां पर पहुंचे थे और घटना में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर
सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आपको याद होगा कि 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायर हुआ था, हालांकि वो आरोपी पकड़े गए थे जिन्होंने फायर किया था, लेकिन उसके बाद से अब ये जो पूरी घटना कल देर रात सामने आई उसके बाद से सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी पर जिस तरीके से हमला हुआ है और कोई वहाँ पर निगरानी नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं, बाई प्लस की सुरक्षा होने के बावजूद उनके पास कोई कांस्टेबल मौजूद नहीं, उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के बावजूद शीशे में गोलियां जा घुसी, 9.9 mm की जो एडवांस पिस्टल है वो शूटर्स के पास थी, और इससे ये माना जा रहा है कि ये जो आरोपी हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हो सकते हैं। अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार ये जो पूरी घटना कल देर रात वारदात हुई है इसके पीछे किसका हाथ है। शक जाहिर किया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर आप साझा करिएगा। जो कल जिस तरीके से हत्या हुई है इसके बाद से पूरे मुंबई में इस वक्त एक डर का माहौल भी है, हड़कंप की स्थिति है, यहाँ तक कि पूरे देश में एक खबर जैसे ही सुनाई दी उसके बाद से वाकई में सब लोग चौंके हुए हैं कि जब इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला हो सकता है, तो ज़रा सोचिए। और एक बड़ा सवाल ये भी कि बाबा सिद्दीकी के क्या बेटे की जान को भी खतरा है, क्योंकि जिशान सिद्दीकी भी साथ में मौजूद था, कोई कॉल आ गया, वो वापस ऑफिस चला गया और वो बच गया, लेकिन बाबा सिद्दीकी पर सीधे हमला जो हुआ है और उनके एक साथ एक व्यक्ति और था जिसके पैर में भी गोली लगी है, हालत काफ़ी गंभीर है, उसका इलाज किया जा रहा है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से मुंबई ने पूरा जो मामला है क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है, मामले की जाँच की जा रही है। आप ज़रूर अपनी राय साझा करिएगा और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।